हेलो एंड वेलकम टू जय स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आइए आज मैं आपको ऑल इन वन बैंकिंग अवेयरनेस सीरीज़ के पार्ट थ्री के साथ जोड़ूंगा। प्रश्न संख्या एक में कहा गया है कि नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी। नाबार्ड की स्थापना पूछी जा रही है। ऑप्शन एक 12 जुलाई 1982, ऑप्शन दो 11 जून 1988, ऑप्शन तीन 15 अगस्त 1990, ऑप्शन चार 11 जुलाई 1983, ऑप्शन पाँच इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर एक, अर्थात 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई थी। प्रश्न संख्या दो, न्यूनतम समर्थन मूल्य का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन एक सीमा के बाद कीमत में गिरावट की जांच करना, ऑप्शन दो उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना, ऑप्शन तीन आसानी से थोक विक्रेताओं से खरीद सुनिश्चित करना, ऑप्शन चार सभी सत्य हैं, ऑप्शन पाँच इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, अर्थात चेक फॉल इन प्राइस बियॉन्ड अ लिमिट, एक सीमा के बाद कीमत में गिरावट की जांच करना ही न्यूनतम समर्थन मूल्य का मुख्य उद्देश्य होता है। प्रश्न संख्या तीन, निम्नलिखित में से क्या मुद्रा स्फीति का कारण नहीं है। ऑप्शन एक सरकारी खर्च के घाटे की वित्त व्यवस्था, ऑप्शन दो उच्च अप्रत्यक्ष कर, ऑप्शन तीन मुद्रा दर में गिरावट, ऑप्शन चार है सार्वजनिक व्यय में गिरावट, ऑप्शन पाँच है इनमें से कोई नहीं। तो मुद्रा स्फीति का कारण नहीं है वो आप याद रखिएगा। प्रश्न संख्या जो हमारा तीन है उसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर चार, अर्थात सार्वजनिक व्यय में जो गिरावट होती है, ड्रॉप इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, इसका कोई भी कारण नहीं होता है। प्रश्न संख्या चार, सामाजिक आर्थिक नियोजन की किस सूची का एक हिस्सा है। ऑप्शन एक संघ सूची, ऑप्शन दो राज्य सूची, ऑप्शन तीन समवर्ती सूची, ऑप्शन चार आरक्षित सूची, ऑप्शन पाँच इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर होगा होगा समवर्ती सूची। प्रश्न संख्या पाँच, ब्याज दर नीति को डैश के एक भाग के रूप में घोषित किया जाता है। ऑप्शन एक राजकोषीय नीति, ऑप्शन दो औद्योगिक नीति, ऑप्शन तीन मौद्रिक नीति, ऑप्शन चार कराधान नीति, ऑप्शन पाँच इनमें से कोई नहीं। मतलब बात की जा रही है इंटरेस्ट रेट पॉलिसी इज डिक्लेयर्ड एज अ पार्ट ऑफ डैश। तो सही आंसर होगा आपका मॉनेटरी पॉलिसी, जिसे मौद्रिक नीति के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या छः, भारत में बीमा क्षेत्र का विनियामक निम्न में से कौन है। ऑप्शन एक RBI, ऑप्शन दो AMFI, ऑप्शन तीन ईडा के नाम से है जिसे हम IRDA कहते हैं, ऑप्शन चार SEBI, ऑप्शन पाँच इनमें से कोई नहीं। तो सदैव याद रखेगा कभी भी अगर बीमा क्षेत्र की बात करता है विनियामक जो हमारी कंपनी है उसका नाम है IRDA, अर्थात प्रश्न संख्या छः का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीन। प्रश्न संख्या सात में पूछा गया है IFCI डैश की श्रेणी में आता है। IFCI जो है हमारा किस श्रेणी में आता है। ऑप्शन एक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में, ऑप्शन दो निजी क्षेत्र के बैंकों में, ऑप्शन तीन विदेशी बैंकों में, ऑप्शन चार सहकारी बैंकों में, या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, ना तो निजी में आता है, ना सार्वजनिक में, ना विदेशी में, ना सहकारी में। प्रश्न संख्या सात, कैमल्स रेटिंग प्रणाली में अक्षर L का जो अर्थ होता है वह क्या होता है। ऑप्शन एक लेवरेज, ऑप्शन दो लायबिलिटी, ऑप्शन तीन लिक्विडिटी, ऑप्शन चार लेन, ऑप्शन पाँच इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा लिक्विडिटी। कैमेल्स में जो L स्टैंड फॉर होता है वह लिक्विडिटी होता है। प्रश्न संख्या नौ, ECB में P का पूर्ण रूप क्या होता है। ऑप्शन एक बजट, ऑप्शन दो बिल, ऑप्शन तीन बोरोइंग्स, ऑप्शन चार विहार, ऑप्शन पाँच आपका दिया गया है इनमें से कोई नहीं। ECB में जो B का स्टैंड फॉर होता है वो होता है बोरोइंग्स, अर्थात। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। लोक अदालतों के जो मामलों को सौंपने का क्या लाभ होता है। ऑप्शन एक होता है सम्मट डिक्री, ऑप्शन दो कोई अदालत शुल्क ना होना, ऑप्शन तीन कोई अपील ना होना, ऑप्शन चार फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों, और ऑप्शन पाँच में कह रहा है एक और दो। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन चार, अर्थात सम्मत डिक्री, कोई अदालत शुल्क ना होना और कोई अपील ना होना, ये तीनों के तीनों जो हैं वो लोक अदालतों के मामलों को सौंपने के लाभ हैं। ऑल इन वन बैंकिंग अवेयरनेस के सेशन में आज मैंने पार्ट थ्री आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया है। 10 क्वेश्चंस जो सभी एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण रहते हैं, क्योंकि आजकल कंबाइन एग्जाम्स स्टैटिक पार्ट प्लस डायनेमिक दोनों मिल रहा है। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और भी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर जय स्टडी यूट्यूब चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जितनी भी नई वीडियोज़ आपके लिए यहाँ पर अपलोड की जाएँ वह सभी के सभी नोटिफिकेशन आप आसानी पूर्वक प्राप्त कर सकें। नेक्स्ट वीडियो में एक बार फिर से मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।